हिमाचल प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता रामकुमार ने नेता विपक्ष पर 30,000 लोगों को रोजगार देने वाले ड्रग पार्क के प्रोजेक्ट में अड़चन डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि नेता विपक्ष की शह पर कांग्रेस के ब्लॉक स्तरीय नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से ड्रग पार्क के नहीं बनने देने और हाईकोर्ट में केस डाल रहे हैं। अपने दावे के पक्ष में उन्होंने केस डालने वाले के साथ नेता विपक्ष की फोटो भी मीडिया को दिखाई। प्रदेश के मुख्यमंत्री के 3 नवंबर के हरोली दौरे की जानकारी देते हुए इस दिन हरोली में करोड़ों की विकास कार्यों को अंजाम देने की बात बताई। बीजेपी के हिमाचल इकाई प्रवक्ता राम कुमार ने नेता विपक्ष पर 30,000 लोगों को रोजगार देने वाले ड्रग पार्क के प्रोजेक्ट में अड़चन डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने आरोपों के पक्ष में नेता विपक्ष के साथ एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर मीडिया को जारी की जिसने इस ड्रग पार्क के निर्माण के विरुद्ध शिमला हाई कोर्ट में केस दायर किया है, जबकि कांग्रेस की हरोली ब्लॉक के अध्यक्ष का एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो डीएम को दिया ड्रग पार्क रोके जाने का मांग पत्र पढ़ते देखे जा सकते हैं। राम कुमार ने इसके पीछे नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का समर्थन होने का खुला आरोप लगाया। तारीख को सातवीं बार प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी हरोली प्रवास पर आ रहे हैं। इससे पहले जब भी वो हरोली आए हैं, केवल प्रवास ही नहीं किया, हरोली का पूरा विकास किया है। हरोली के विकास के लिए सैकड़ों करोड़ों की परियोजनाएं योजनाएं उन्होंने हरोली को दी हैं। आज हरोली में जिस प्रकार से सड़कों का जाल बिछा है और बिछ रहा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। और इसके अलावा आईपीएच विभाग में जिस तरह से चाहे वो खेतों में सिंचाई की योजनाएं हो या घर घर नल पहुंचाने की योजना हो, इस काम को गति देने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष भूमिका उन्होंने निभाई है, क्योंकि जिस उदारता के साथ उन्होंने इन विभागों को फंडिंग की है, अगर वो फंडिंग ना होती तो शायद इन दोनों विभागों में इतनी तेजी से काम ना चलते। बात करें बिजली विभाग के लिए भी एक अभूतपूर्व काम माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हरोली विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हरोली विधानसभा में आज तक 460 ऐसे किसानों के प्राइवेट ट्यूबवेल्स हैं जिनको बिजली का कनेक्शन नहीं था, और किसान डीजल इंजन के साथ सिंचाई करते थे, और कितना महंगा उनको पड़ता था वो किसान जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन उनको इस समस्या से निजात दिलाने के लिए, उनको खेती उनकी सिंचाई के लिए पैसा ज्यादा खर्च ना पड़े, सुविधा मिले, 460 ऐसे प्राइवेट ट्यूबवेल्स को, किसानों के ट्यूबवेल्स को प्रदेश सरकार कनेक्शन देने जा रही है। और हरोली में व्यापक तौर पर युद्ध स्तर पर ये काम चल रहा है, और 2-3 महीने में सारे के सारे ट्यूबवेल्स को कनेक्शन दे दिया जाएगा। ये तभी संभव हुआ है जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरोली को उदारता के साथ वित्तीय यहाँ पे साधन उपलब्ध करवाए हैं। तो हरोली विकास, जब भी वो प्रवास पर आए हैं, हरोली में विकास के नए आयाम उन्होंने स्थापित किए हैं। और सबसे बड़ी बात, हिमाचल प्रदेश कोई छोटा प्रदेश भी बहुत ज्यादा नहीं है, 70 लाख इसकी अब जनसंख्या हो गई है, 12 जिले हैं, 68 विधानसभा क्षेत्र हैं। देश भर में 3 जो ड्रग पार्क बनने हैं, जो प्रस्तावित ड्रग पार्क हैं, और एक एक ड्रग पार्क हजारों हजारों करोड़ों के निवेश से जुड़ा हुआ है। एक एक ड्रग पार्क से 25,000 से लेकर 30,000 लोगों को रोजगार मिलने वाला है। देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान इन ड्रग पार्क का रहने वाला है। लेकिन देश में 3 बनने हैं, इतने राज्य प्रदेश में देश में है, बड़े बड़े राज्य भी हैं, हमारे से विकसित राज्य भी हैं। तो प्रदेश सरकार ने केवल और केवल हरोली विधानसभा क्षेत्र का प्रस्ताव दिल्ली को भेजा है, और मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूंगा, क्योंकि हरोली को उन्होंने इतना महत्व दिया है, हरोली के हितों का ख्याल करा है, इसीलिए 68 विधानसभा क्षेत्र में से केवल हरोली का प्रस्ताव दिल्ली गया है। और अगर ये प्रस्ताव जो पार्क का वहां भेजा गया है ये स्वीकृत होता है, क्योंकि बिडिंग इसकी हुई है, कॉम्पिटिशन हुआ है, पॉइंट सिस्टम है, तो हमें पूर्ण विश्वास है जिस प्रकार के रेट्स प्रदेश सरकार ने वहां भरे हैं, जिस प्रकार की सुविधाएं देने का आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां दिल्ली में दिया है, तो ये पार्क हमें अवश्य मिलेगा, ऐसी हम सब कामना भी करते हैं, और इसके लिए प्रयास भी बराबर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। इसके लिए मैं जिला ऊना की तरफ से, होली की समस्त जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप विपक्ष अड़चने ही केवल पैदा नहीं कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है कि ये पार्क हरोली को ना मिले, ये पार्क जिला ऊना को ना मिले। उसके लिए मैं आपको 2-3 उनके उदाहरण दे सकता हूं। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी हरोली में उनके जो ब्लॉक के प्रेजिडेंट हैं विनोद कुमार बिट्टू,
वो कुछ लोगों के साथ आज से 2-2.5 महीने पहले जिला प्रशासन से मिलते हैं, उसका रिकॉर्डेड वीडियो मेरे पास है, सब वायरल हो चुका है, पूरे पब्लिक डोमेन में वो वीडियो है। वो बिट्टू वहां जाते हैं, डीसी साहब से कहते हैं कि ये पार्क यहाँ नहीं बनना चाहिए, जंगल नहीं कटना चाहिए, यानी कि उन्होंने झूठ वहां बोला कि ये जो कॉमन लैंड है ये, और यहाँ पे पार्क नहीं बनना चाहिए, जंगल नहीं कटना चाहिए। इसका मतलब वो पार्क के विरोध नहीं हुए ना। पार्क तो मैं पार्क हम बोलते हैं, पार्क एक बहुत बड़ा बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग पार्क है। कांग्रेस पार्टी यहाँ विरोध करती है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की जो बड़े लीडर हैं प्रदेश में, वो मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, चौथी बार हरोली की जनता ने इनको विधायक बनाया है, वो भी उस व्यक्ति के पास जाते हैं, एक व्यक्ति को सम्मानित करते हैं, हरी टोपी पहनाते हैं, शोल टप पहनाते हैं, हार पहनाते हैं और उसे हाईकोर्ट में केस करवाते हैं। उनको तो चाहिए था कि जो लोग कुछ गुमराह हो रहे थे, कि जिनको पार्क के खिलाफ, इस ड्रग पार्क के खिलाफ गुमराह किया जा रहा था, उनको समझाते भैया ये हरोली के हित में ये बनना चाहिए, उल्टा उनको उकसाया नहीं, कोर्ट तक जाएं इसके लिए उनको उन्होंने तैयार किया। और ये 2 उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, और भी ऐसे कई घरों में वो गए हैं जो लोग उन दिनों में ये ड्रग पार्क का विरोध कर रहे थे। हम लोगों के पास जा रहे थे कि भाई ऐसा आपको गुमराह नहीं होना चाहिए, हालांकि वो मुट्ठी भर लोग थे, लेकिन उस समय मैंने ये फैसला किया था कि चाहे कुछ लोग गुमराह हो जाएं, अगर ये अवसर हमसे छूटता है तो बहुत बड़ा नुकसान जिला ऊना का होगा, हरोली का होगा। तो उसी समय हमने ये निर्णय लिया था कि इस पार्क को बनाने में जो भी हमारा प्रयास होना चाहिए, हमने 100% प्रयास किए हैं। और मैं तो आपको मालूम है लंबे समय तक मैं बीमार रहा, लेकिन लोगों की दुआओं से, आशीर्वाद से, जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स ने, दूसरे स्टाफ ने जो अच्छा काम हिमाचल में किया, उसका मुझे भी लाभ हुआ है, मैं भी स्वस्थ हो गया। जब मैं स्वस्थ होकर आया, फिर उसी दिन से मैंने इस पार्क के लिए काम करना शुरू किया। मैं आपको बता रहा था कि ये व्यक्ति है, हरी टोपी पहनी है, शॉल पहनाया जा रहा है, हार पहनाया जा रहा है, इसको हाई कोर्ट भेजा गया, इसने हाई कोर्ट में केस किया, ये पार्क नहीं बनना चाहिए। कोर्ट में जाना सबका अधिकार है, विषय ये नहीं कि कोर्ट में गया, वो विषय वो नहीं, माननीय हाई कोर्ट में कोई भी जा सकता है, वो अधिकार है सबका, लेकिन किस विषय को लेकर गए हैं और मुकेश अग्निहोत्री किस बात के लिए उनको सम्मानित कर रहे हैं, ये समझ से परे है, ये रोडी के हित में नहीं है। चाहिए तो ये था कि उनको कहते भैया ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन उल्टा उनको उकसाएगा। दूसरी बात, ये मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये वीडियो किसी और का नहीं है, ये वीडियो हरोली के कांग्रेस के ब्लॉक के प्रेजिडेंट का है, और इस ब्लॉक के प्रेजिडेंट ने वहां डीसी साहब के पास जाकर ये कहा कि ये पार्क नहीं बनना चाहिए। आप इसको सुन भी सकते हैं, और वो वहां तो है आम पटन, 150 लोग हमारे साथ है,